दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय लाइफलाइन हॉस्पिटल देहरा। मैं रिपन राणा लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार देश में कोरोना महामारी फैली है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से अपील की गई है, मैं प्रदेशवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि सरकार के आदेशों का पालन करें और बिना कारण घर से ना निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धर्मशाला शहर से सटे सराह गौ सदन में गौवंश के तमाम दावों की पोल खुल गई है। इस गौ सदन में अब पानी बंद हो गया है, जिससे पशु तड़प उठे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर नगर निगम और स्थानीय विधायक इस गौ सदन को इग्नोर करते हैं, तभी इसकी ये हालत हो गई है। गौ सदन में कार्यरत जीवन कुमार, कुलदीप कुमार और उत्तम चंद ने बताया कि आईपीएच विभाग यहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं दे रहा है। जब ये गौ सदन बना था तब से 1 इंच पाइप बिछाई गई, लेकिन कुछ समय तक तो पानी आता रहा, लेकिन उसके बाद सप्लाई ठप हो गई। खैर, अब इन बेजुबानों की प्यास बुझाने का बीड़ा उठाया है कुछ युवाओं ने। जितेंद्र, रिपिन, अमित ने अपने बलबूते पर पाइप से लेकर हर सामान ले लिया है और बेसहारा पशुओं के लिए बीजे गए चारे की सिंचाई तक का इंतजाम कर दिया है। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या जी? जितेंद्र सिंह। सर आप बताइए कि यहाँ पे जिस प्रकार आप 3 दिन से उन्होंने बताया कि पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आपको, आप तो काफी समय से यहाँ आ रहे हैं। जी, जब से ये गौशाला खुली है। गौशाला खुली है तब से आ रहे हैं। तो आपको कैसे लगा पता कि यहाँ पे पानी नहीं है और पानी की व्यवस्था यहाँ से होनी चाहिए? रोज आता हूँ ना। अच्छा, रोज आते हैं आप? हाँ। तो आपने कितने दिन हो गए आज लगे हुए यहाँ पे पानी की व्यवस्था करते? चौथा दिन नहीं आया। चौथा दिन हो गया यहाँ पे। तो ये पानी जो आपने लाए, और कौन कौन, किस किस ने सहायता की आपकी? राणा जी, अमित राणा जी। अच्छा, इन्होंने आपकी सहायता की? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अजय भारद्वाज। अच्छा जी। हाँ जी। और जगरूप सिंह हमारे सरा से। अच्छा जी। इनका भी आए थे, वो भी परसों पूरा दिन धूप में बैठे। वो भी ये पाइप वगैरह आप खुद खरीद के लाए हैं सारी? हाँ जी बिल्कुल, ये राणा जी। अच्छा, राणा जी ने खरीदी है। जी जी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम जी? रिपन राणा। सर आपने जो यहाँ पे पाइपें वगैरह खरीदी हैं यहाँ पे, इसमें खुद खरीदी है ये आपने? जी जी। आपको कब ऐसे महसूस हुआ कि यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए? हम डेली आते हैं यहाँ पे। अच्छा, रोज आते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो समस्या थी वो तो एक तो पानी की थी, ऊपर से यहाँ पे जो अभी जो पशु जो ऐसे घूम रहे हैं इनके लिए आजकल मक्खियाँ बहुत ज्यादा का ये था, प्रकोप था। तो उस पशु को ज्यादा जो जख्म वगैरह पे बैठती थी, तो उससे और ज्यादा इनको थोड़ी दुख महसूस होता था। तो एक तो पानी की समस्या थी, ऊपर दूसरी ये जो मक्खियाँ पशुओं की होती हैं ये थी। इसके लिए भी हमने जो है वो डेली हम इसकी जो दवाई जो है स्प्रे कर रहे हैं, और ये पानी का ये आज चौथा दिन है, ये आज जो है यहाँ तक पहुँचा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गगल से विमुक्त शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नीतू दमीर, गुरकड़ी पंचायत प्रधान, कांगड़ा जिला उपाध्यक्ष भाजपा, सभी ग्राम वासियों से और हिमाचल प्रदेश वासियों से अनुरोध करती हूँ, जो हमारी सरकार ने कोविड-19 का जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करिए और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। धन्यवाद। कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी में जिला कांगड़ा की देहरा तहसील के हनुमान चौक में स्थापित लाइफलाइन अस्पताल मरीजों को ऑनलाइन और आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवा रहा है। लाइफलाइन हॉस्पिटल देहरा, इस वक्त हम 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। किसी भी तरह की मेडिकल एमरजेंसी हो, हम उसमें डील कर रहे हैं। मेरी सबसे अपील है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, अनबेरेबल कंडीशन ना हो, तब तक आप अपने घरों में रहें। सिंपल बीमारियों के लिए अपने आसपास के जो भी चिकित्सक हैं उनके पास सलाह मशवरा करें। एमरजेंसी में हमारे नंबर 7876071919 है। आप किसी भी टाइम आपातकाल में इस नंबर पर कॉल करके हमें
सूचित कर सकते हैं मरीज के बारे में, और अगर जरूरी हुआ तो हम उनको जो भी सलाह होगी वो उस वक्त दे देंगे, या फिर अगर एडमिशन की जरूरत होगी तो एडमिट भी कर लेंगे।